मैट्रिक तक हम लोग स्कूल में खेला करते थे, लेकिन जब कॉलेज लेवल पे आए तो मैंने इसी सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया। और जब स्टडी स्टार्ट हुई तो वहाँ पे को एजुकेशन थी, टीचर्स का जो था कि मेल टीचर्स थे, फीमेल टीचर्स नहीं थी। तो ये था कि टीचर्स जो थे स्पेशली बॉयज़ को सपोर्ट कर रहे थे, गर्ल्स को नहीं कर रहे थे। और हमें प्रैक्टिकल मतलब हमारे जो था ना प्रैक्टिकल्स में नहीं, हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिल रही थी, कोई एक्सरसाइज नहीं हमें करवाई जा रही थी और बॉयज़ को प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। सबको लग रहा था इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आके स्पेशली जब किट पहनकर हम लोग यूनी में एंटर होते हैं तो गर्ल्स बॉयज़ मुड़ मुड़ के देखते हैं, उनके अजीब अजीब कमेंट्स होते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। जो गर्ल्स इस फील्ड में आना चाहती हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो इस फील्ड में आएँ। पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि जो अपनी बेटियों को मेल फील्ड है इस वजह से घर में ना बिठाएं, और जो उनके रिलेटिव्स हैं उनकी बातें सुन के उनको उनके टैलेंट को ज़ाया ना करें, बल्कि उनको सपोर्ट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो भी उनके एम है उनको कम्प्लीट कर सकें। और स्पेशली ये फील्ड जो है ये बहुत अच्छी फील्ड है आजकल, जैसे हर इंसान किसी ना किसी इशू वजह से ना स्ट्रेस का शिकार है हमें, और अगर डेली एक्सरसाइजेज करनी चाहिए ताकि हम मेंटली तौर पर फ्रेश रहें और अपनी जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकें। अभी भी सबको इशू है कि ये इसको नहीं जाना चाहिए, अभी भी वापस बुला लें, लेकिन इनके फैमिली की पूरी पूरी सपोर्ट है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे खेलूंगी और अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करूंगी और पाकिस्तान का भी।